हेलो एवरीवन, मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मेरे क्लासेस, जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थ्रू और वो भी बिल्कुल अमेजिंग वे से। फिर ले आया हूं आपके लिए फिक्स प्रेपोजिशन। ये फिक्स प्रेपोजिशन का सिलसिला कई दिनों से चलता रहा है, लेकिन डोंट वरी, कल जाकर के ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और उसके तुरंत बाद यानी उसके ठीक कल आपको एक टेस्ट लिया जाएगा। ये तो मैं कई वीडियोस में आपको कहता आ रहा हूँ। जो लोग पुराने मेरे व्यूवर्स हो, जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो, वो लोग पक जाओगे ये बात सुन सुन करके। मेरा मतलब है पक गए हो ये बात सुन सुन करके कि सर जी कितने दिनों से आप कह रहे हो कि टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, कब होगा ये टेस्ट। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, बस दो दिन बाद, मेरा मतलब है कल के बाद परसों आपको एक टेस्ट देना होगा। 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन में आप कितना गेन कर पाते हो ये तो आपकी मेहनत बताएगी कि आपने कितनी मेहनत कर रखी है। खैर वो बात की बात है, चलो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में फिर से ले आया हूँ आपके लिए टू वाले प्रेपोजिशंस, यानी कहने का मतलब है बहुत सारे वर्ड्स के साथ आप टू लगाते हो। पिछले वाले वीडियोस में हमने फ्रॉम को और टू को दोनों को कवर किया था और करीब करीब 15 या 17 वर्ड्स मैंने टू के साथ बताए थे, और आज तो फिर ये 30-35 वर्ड्स ले आया हूँ टू के लिए। यानी टू एक ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो बहुत सारे शब्दों के साथ प्रयुक्त होती हैं, बहुत सारे शब्दों के साथ अप्लाई की जाती हैं और ये आपको कन्फ्यूज बहुत ही ज़्यादा करती है। पर डोंट वरी, अब कन्फ्यूज़न नहीं होगी क्योंकि इतनी सरलता से, इतनी आसानी से और इतने सरल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका प्रेपोजिशन हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इधर भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, सबके साथ टू है, फिर इधर भी है और फिर यहाँ तो है ही। चलो एक एक कर करके सबको बताता हूँ हिंदी के साथ। प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स लाभ या फायदा, प्रॉफिट के साथ भी टू लगता है। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मतलब होता है उचित, हाँ एप्लीकेबल मतलब होता है उचित या यथार्थ, इसके साथ भी आप टू लगाते हो। एक्कस्टम्ड, एक्कस्टम्ड कहने का मतलब होता है किसी चीज़ में अभ्यस्त होना, किसी चीज़ में आदि होना, यानी किसी चीज़ की हमें आदत हो गई रहती है, वो एक्कस्टम्ड होती है, ये भी अपने साथ टू लेती है। अप्रोप्रिएट, जैसा कि एप्लीकेबल का मतलब था, ठीक अप्रोप्रिएट का भी मतलब यही होता है, यथार्थ, शुद्ध, सही, उचित, बहुत सारे अर्थ होते हैं, ये भी अपने साथ टू लेता है। ब्लाइंड, ये तो एग्जामिनेशन में 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। ब्लाइंड कहने का मतलब है अंधा, तो अंधा कहने का मतलब है किसी काम को लेकर के अंधा होना, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के अंधा होना, या किसी चीज़ को लेकर के अंधापन होना, यानी इग्नोरेंस होना एक प्रकार से, तो ये भी टू है। जैसे कि आप देख रहे हो ब्लाइंड के साथ भी हम टू का यूज़ करते हैं। डेफ यानी बहरा, ये भी अपने साथ टू लेता है। एसेंशियल, ये देखने में लग रहा है एसेंटियल, लेकिन असल में ये एसेंटियल नहीं है, ये है एसेंशियल, क्योंकि यहाँ टी आई ए एल का मतलब है शल, यानी टी आई ए, टी आई ई, टी आई ओ यू, इन सबों से तलब्य श होया करता है। इस पर मैंने एक वीडियो दे रखी है, बहुत पहले ही मैंने बनाई थी, कि करीब करीब 13 ऐसे लेटर्स थे जो तलब्य श की ध्वनि को देते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इमेजिन नहीं कर सकते हो कि हम तो 2-3-4-5 जानते थे, लेकिन ये 13 के 13 लेटर्स जो कि तलाब्य श की ध्वनि देंगे। ऑफ़ कोर्स आप उस वीडियो को देख लेना, उस पे आपको थंबनेल पे मिल जाएगा, आपको थंबनेल पे मिल जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोनंसिएशन, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो एसेंशियल भी अपने साथ टू लेता है। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी। उसके बाद रिलेटेड, रिलेटेड तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपने जहाँ तहाँ देखा ही होगा रिलेटेड को, रिलेटेड अपने साथ हमेशा टू लेता है, रिलेटेड टू, ओके रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित होना, से संबंधित होना, ओके। सेंसिटिव, ये भी अपने साथ टू लेता है, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, कोमल, नाजुक को सेंसिटिव कहते हैं। रिड्यूस्ड, ये भी अपने साथ टू लेता है, रिड्यूस का मतलब हो जाता है कम करना या कम होना, खासकर कम करने के सेंस में होता है रिड्यूस। उसके बाद है शॉकिंग, शॉकिंग यानी सदमाशील, जिसको सुनने के बाद आदमी सदमे से भर जाए, यानी कहने का मतलब है एक प्रकार का आश्चर्य जैसा फील होना, एक प्रकार का अंदर से शंका फील होना, उस प्रकार का, तो शॉकिंग अपने साथ भी टू लेता है। टॉक, ये थोड़ा उतना ठीक से नहीं दिख रहा होगा लेकिन लगभग थोड़ा दिख ही रहा होगा, टॉक अपने साथ टू लेता है, और ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे बच्चे तक जानते हैं, और एग्जामिनेशन में कितनी बार पूछी जा चुकी है ये तो कहने का मतलब है मैं बता नहीं सकता। खैर तो टॉक अपने साथ टू लेता है। चलो इधर वाले कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ट्रू, ट्रू के साथ भी टू आता है, ट्रू मीन्स होता है सच, ओके।
एस्ट्रेंज भी अपने साथ टू लेता है. एस्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, अपरिचित या फिर अजीब, है ना, ये भी होता है. सिमिलर, सिमिलर भी अपने साथ टू लेता है, ये भी एग्जामिनेशन में एक दो बार आ चुका है, पूछा जा चुका है. सिमिलर मतलब होता है मिलता जुलता, के समान होना, के बराबर होना, के जैसा होना, सिमिलर. एडमिट ये भी अपने साथ टू लेता है. एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, और एडमिट का मतलब होता है भर्ती करना या भर्ती कराना. जैसे कि लोग कहते हैं ना, मैंने एडमिट कराया था, है ना, वही. अलॉट, अलॉट भी अपने साथ टू लेता है, और अलॉट का हिंदी अर्थ होता है बांटना. अपॉइंट ये भी अपने साथ टू लेता है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी संभावना है. अपॉइंट अपने साथ टू लेता है. अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त होना. जैसे कि हम लोगों ने कई टीचर्स को अपॉइंट किया था, है ना, इस कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर्स अपॉइंट किए गए, ठीक है, नियुक्त किए गए. तो अपॉइंट अपने साथ टू लेता है. अटेंड अपने साथ टू लेता है, और अटेंड का मतलब होता है प्राप्त करना. प्राप्त करना, हासिल करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे डिक्शनरी में, इंग्लिश में, मतलब 20 से ज़्यादा होंगे वर्ड्स, ओके. तो अटेन भी अपने साथ टू लेता है. बिलोंग, बिलोंग भी अपने साथ टू लेता है, और ये तो भला कौन नहीं जानता है. छोटे छोटे बच्चे जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहते हैं आई बिलोंग टू, है ना, डॉट डॉट, शी बिलोंग्स टू डॉट डॉट. तो बिलोंग अपने साथ टू लेता है. बिलोंग का मतलब होता है जहाँ से आप संबंध रखते हो, जहाँ के आप रहने वाले हो, ओके, बिलोंग. चैलेंज भी अपने साथ टू लेता है. तो चैलेंज कहने का मतलब है चुनौती देना, किसी को ललकारना, ओके. चैलेंज भी अपने साथ टू लेता है. कंपेयर भी अपने साथ टू लेता है, और कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना. कंफर्म भी अपने साथ टू लेता है, और कंफर्म का मतलब होता है सुनिश्चित कर लेना, किसी चीज़ को दृढ़ कर लेना. कंफर्म होना, आज चलना है, कंफर्म हो कि आज ही मैच होगा, तो कंफर्म, ओके, कंफर्म भी अपने साथ टू लेता है. टेस्टिफाई यानी साक्षी करना, सिद्ध करना सबूत के साथ, टेस्टिफाई, ये भी अपने साथ टू लेता है. अब चलो सबसे अंतिम वाले को देख लेते हैं, इधर वाले जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्योंकि बाकी के इतने सारे शब्दों को तो मैंने बता दिया कि इनके साथ टू आते हैं. एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, और ये भी अपने साथ टू लेता है. हैपन, घटित होना, ये भी अपने साथ टू लेता है. इनवाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, इनवाइट कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है. इनवाइट हमेशा अपने साथ टू लेता है. इनवाइट टू टी, इनवाइट टू ब्रेकफास्ट, इनवाइट टू लंच, इनवाइट टू डिनर, इनवाइट टू सपर. तो इनवाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है. इंट्रोड्यूस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. इंट्रोड्यूस भी अपने साथ टू लेता है. इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना, ओके, परिचय कराना या परिचय देना. लिसन, इसको भी मैं घेर ही देता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लिसन टू मी, लिसन टू हिम, लिसन टू द रेडियो, ओके, तो लिसन अपने साथ टू लेता है. ऑब्जेक्ट यानी एतराज़ करना, आपत्ति करना, ये भी अपने साथ टू लेता है. ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, लेकिन वहाँ पे कर्म वाली हिंदी यहाँ पे नहीं होगी. यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब होगा एतराज़ करना, एतराज़ होना, या आपत्ति होना, या आपत्ति करना. वो कहते हैं ना ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, वही ऑब्जेक्शन की बात हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट से ही मिल करके बना है ऑब्जेक्शन. ओकर, ओ डबल सी यू आर, ये भी अपने साथ टू लेता है, और ओकर का मतलब होता है घटित होना, किसी घटना का घटित होना. प्रेफर, प्रेफर मतलब होता है भेजना, है ना, कहीं भर्ती वर्ती कराना. तो प्रेफर भी अपने साथ टू लेता है. प्रेफर नहीं, गलती मैंने बता दी है, सो सॉरी अबाउट डैट. प्रेफर का मतलब होता है से अधिक पसंद करना, जैसे कि आई प्रेफर टेलीविज़न टू रेडियो, शी प्रेफर्स टेकिंग कॉफ़ी टू मिल्क. तो प्रेफर यानी से अधिक पसंद करना, और प्रेफर जब भी आता है, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये वर्ड है. प्रेफर दो चीज़ों के बीच को दिखाता है कि ये चीज़ हमें उतना पसंद नहीं है जितना कि ये है, यानी ये वाले से ये चीज़ हमको ज़्यादा पसंद है, ये चीज़ दिखाता है प्रेफर. रेफर, रेफर यानी कहीं भर्ती कराना, कहीं एडमिट कराना. रेफर कहते हैं ना कि भाई उस पेशेंट को डॉक्टर ने रेफर कर दिया है पटना, दिल्ली, मुंबई. तो रेफर यानी उसको भर्ती करा देना, उसको भेज देना इस स्थान से दूसरे स्थान तक, ये भी अपने साथ टू लेता है. सबमिट, सबमिट यानी समर्पित करना, सौंप देना. तो सबमिट भी अपने साथ टू लेता है. सब्सक्राइब, भला ये तो बच्चे बच्चे को पता है, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू हिज चैनल, सब्सक्राइब टू माई ब्रदर्स चैनल. तो सब्सक्राइब हमेशा अपने साथ टू लेता है. सबसे अंत की बात करें, टर घुमाना, मुड़ना, मुड़ जाना,
ये भी अपने साथ टू लेता है। तो टू वाले जितने भी वर्ड्स थे मैंने सबको इकट्ठे कर लिए थे, पूरी बुक छान मारी मैंने, और आपके टू वाले, ऑफ वाले, फ्रॉम वाले, फॉर वाले, करीब करीब चार प्रीपोजिशंस मैंने आपको दे दिए, और यही चारों बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। हमारे एग्जामिनेशन में देखा जाए तो चार ही पाँच प्रीपोजिशंस से पूछे जाते हैं, टू से, फॉर से, विद से, अभी विद बाकी है। तो कल वाले जो हमारे प्रीपोजिशंस होंगे फिक्स प्रीपोजिशन, उसमें कुछ मिलते जुलते होंगे, जैसे कि विद भी आ सकता है, अंडर भी आ सकता है, बाय भी आ सकता है, लेकिन जो खास थे जैसे कि फॉर था, ऑफ था, फ्रॉम था, टू था, इसमें ऑफ और टू सबसे ज़्यादा थे। जैसा कि आप देख रहे हो कल वाली वीडियो में भी 15-20 वर्ड बताए थे, आज भी 30-35 वर्ड मैंने करीब करीब बताएं, इन सब के साथ हमने टू लगाया। और ऐसे शब्दों पे आपको कमांड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। हफ्ते में कम से कम एक दिन आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो पूरे महीने वो चीज़ याद रहती है, इस बात का ध्यान रखना। अगर हफ्ते में किसी भी चीज़ को एक बार आप रिवाइज कर लेते हो तो पूरे महीने वो चीज़ याद रहती है। और किसी की आईक्यू लेवल तेज़ हो तो बस हफ्ते में अगर एक बार वो देख ले तो उसको दो दो महीने, तीन तीन महीने भी याद रह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हफ्तेवारी का कार्यक्रम चलना चाहिए, यानी हफ्तेवारी का ये जो प्रोसेस है वो चलते रहना चाहिए। इसलिए मैं बार बार अपनी कोचिंग में अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बताता रहता हूँ कि भाई मेरे, जो भी तुम पढ़ रहे हो है ना, उससे तुम हफ्ते में कम से कम एक दिन रिवाइज जरूर कर लो। संडे का एक ऐसा वक्त निकालो कि जितने भी तुमने पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, जितनी भी चीज़ें तुमने पढ़ रखी है, उसे संडे को तुम देख जाओ, संडे को उसे एक बार रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें तुमने पढ़ी हुई हैं इन 6 दिनों में, वो तुम्हें कुछ हद तक याद हो जाएंगे। और अगर ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा, कंटिन्यू रखे 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने, तो फिर मुझे लगता है कि 2-2 साल, 3-3 साल तक उन चीज़ों को आप नहीं भूल पाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने सिर्फ वीडियो देख ली और वीडियो देखने के बाद आप चाहोगे कि एग्जामिनेशन में हम बैठे और एकदम फटाफट ले करके आ जाएं, या प्रीपोजिशंस के जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको हम हल कर देंगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत है। मैं कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी कई सारे शब्दों में मैं भी फंस जाता हूँ। तो आप बताओ कि इतना पढ़ाते हुए, इतना पढ़ते हुए भी अगर कोई इंसान स्टक कर जा रहा हो तो आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग कितने स्टक करोगे? इसलिए प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। जब तक प्रैक्टिस रहेगी तब तक कोई भी चीज़ की कठिन से भी कठिन काम आपको आसान लगेंगे। प्रैक्टिस छूट जाएगी, आसान काम भी आपको डिफ़िकल्ट लगने लगते हैं। इसलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। खैर वो बात अलग है, कल वाली लास्ट वीडियो होगी और 500 टेस्ट के लिए आप सभी लोग रेडी रहना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना पढ़ाई की है, मेरा मतलब है कितनी पढ़ाई की है, और कितने अंक प्राप्त कर पाते हो। ये तो आपकी मेहनत बताएगी कि आप लोग क्या क्या गुल खिला रहे हो। चलो ठीक है, ज़्यादा बकवास अब नहीं करना चाहूँगा, आप लोग भी पक रहे होंगे बहुत देर से। सबको कह देना चाहूँगा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।